उस घर में यह समस्या है भाई, लड़की जो है एक कमरे में अलग जी, एक कमरे में अलग ही रहती है और बिना वस्त्रों के, बिना वस्त्रों के, बिना वस्त्र, और जो भी वहाँ खाने पीने का सामान आवा है अच्छा बंद कमरे में ही जी, वो ऑटोमेटिक उस लड़की के पास में चलेगा। अच्छा पहले करते हैं वो जिंद है जी, उसमें जिंद है जी। पानीपत दीनानाथ कॉलोनी में ऐसा होया कि एक नंबर बुला लिया, ठीक नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, और हमारे साथ आज मैं गुरुजी का परिचय लूंगा उनसे ही। गुरुजी अपना परिचय दीजिए एक बार। हमारा नाम है शिवानंद महाराज, और जी हमारा आश्रम जो है हरिद्वार में है, भारत माता मंदिर के पिछली तरफ। ऐसे है गुरुजी आप? हम है जी गिरी, गिरी सरस्वती जी। अखाड़ा कौन सा? अखाड़ा जुमना है, जूना अखाड़ा, जुमना, ठीक है जी। तो दोस्तों बने रहना वीडियो पूरे देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। गुरुजी ने अपनी आंखों से कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं, और इनके पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें कि आत्मा, भूत प्रेत और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, और उन्होंने बहुत सारे केस पकड़े भी हैं। और अभी एक केस के बारे में मुझे बता रहे थे, तो मुझे वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, आपको भी सुन के मज़ा आएगा। और अभी तक महाराज जी ने उस केस पर काम किया नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि उस केस पर काम किया जाए, क्योंकि जिस घर में ये चीज़ चल रही है वो घर बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो परेशानी क्या है, वो बहुत बड़ी परेशानी है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बहुत बड़ी परेशानी है, उस परिवार पे क्या बीत रही है। तो महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, जो आपके पास केस आया है वो किस प्रकार का केस है? वो जी हमारे पास में जो है एक हमारे चेले का फोन आया, ठीक है, तो ये बोले गुरु जी जो है एक लड़की है, ठीक है, और वह ज़्यादा परेशान है। मैं कहा भाई परेशान नहीं बता दियो। अच्छा, तो वे कह लगे अगर जो लड़की है वे पैसे भी देना चाहो। अच्छा, भाई हमारी जो लड़की ठीक हो जा हम इतने पैसे दे देंगे, पैसे की वजह से तो हमने टाल कर दी। अच्छा, मतलब उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि महाराज जी यहाँ पर एक बार आके तो देख लो, तो सीधा आपको पैसों का ही कहा, पैसे भी दे देंगे और हमारी लड़की ठीक होनी चाहिए। अच्छा, फिर हमने उन्हें कहा भाई पैसा तो देख हमें चाहते नहीं, ठीक है, वैसे आप दिखाओ कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। तो क्या किस प्रकार की समस्या है उस घर में? उस घर में यह समस्या है भाई, लड़की जो है एक कमरे में अलग जी, एक कमरे में अलग ही रहती है और बिना वस्त्रों के, बिना वस्त्रों के, बिना वस्त्रों। उम्र क्या है बच्ची की? उम्र है जी 18 साल। 18 साल की? वो कितने दिन अब बताया होगा उसके परिवार ने, कितने दिन? कम से कम 2 साल तो। 2 साल से वैसे रह रही है, वैसे कमरे से बाहर नहीं जाती, कमरे से बाहर नहीं जाती, और जो भी वहाँ खाने पीने का सामान आवा है अच्छा बंद कमरे में ही जी, वो ऑटोमेटिक उस लड़की के पास में चलेगा। मतलब उसको कुछ भी चीज लेने की जरूरत नहीं है? हाँ, उसको कुछ भी चीज लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज अपने आप भी उसी के कमरे में पहुंच जाए, उसी के कमरे में पहुंच जाए। तो उसके कमरे में तो फिर जैसे घर में पुरुष भी रहते होंगे तो फिर कैसे? पुरुष नहीं जा सकता वहाँ, सिर्फ एक उसकी माँ जाती है, कोई जा सकता, और कोई नहीं जा सकता। अगर मान लो किसी भाई भाई होता है परिवार में, पिता होते हैं, तो चलो ठीक है, एक तरह से मान लीजिए लड़की कपड़े नहीं पहन रही, लेकिन वो उसको बचाने की कोशिश तो करेंगे। ये बहुत बहुत तो वो शक्ति वहाँ तक पहुँचने देती है उनको? बस शक्ति नहीं पहुँचने देती। अच्छा, पहले करते हैं, वो जिंद है जी उसमें? जिंद है जी। तो आपने क्या निर्णय लिया, आप उसकी मदद करेंगे? क्योंकि उन्होंने आपने जैसे कि आपने एकदम से मना कर दिया था, उन्होंने पैसे की बात करी पहले, उससे आपका मूड खराब हो गया, क्योंकि आप पैसे के लिए ये काम नहीं करते, काम नहीं करते, पैसे के लिए काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने बात ही पैसे करी पहले, इस वजह से आपने मना कर दिया था, मना कर दिया। तो अब आपके मन में विचार आया कि लड़की ज़्यादा परेशान है, आपको पैसे से कोई वो नहीं है इतना मतलब, लेकिन जैसा किसी का केस जैसा भी आवे, भूत प्रेतों का, ऊपरी हवा हो, और मेरे द्वारा भगवान जो है ना केस को सोल्व कर दो, वे दान सो चढ़ा गए, कोई दिक्कत नहीं, उस दान के द्वारा ही मतलब यू जो है मंदिर है उसके द्वारा ही स्थापना होगी। हाँ, इसमें भौतिक जीवन में इसमें इसकी धन की आवश्यकता तो होती है, ठीक है, सब कुछ, चाहे वो साधु महात्मा हो या कोई सांसारिक आदमी हो, होती है, लेकिन जो साधु महात्मा होते हैं वो कमाई के लिए ये काम नहीं करते, कमाई के लिए काम नहीं करते, नहीं, उनके ऊपर जो चढ़ावा आ जाए बस वो उसी के ऊपर उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो और कोई केस अगर आपको याद आ रहा हो, आपने
किसी कोई कहानी इस तरीके की आपको मतलब और भी याद आई हो? ऐसे केस मेरे पास में बहुत है रे, अगर जो मान लीजिए घर के ही घर में ही कर रहे। अच्छा, घर के घर में ही? हाँ, सगा सगी भाभी है, छोटा भाई है, ऐसे केस बहुत है। एक आधी कोई ऐसी कहानी आपको याद हो जिसमें कि आपको भी लगा होगा भाई ये इस तरह की चीज? पानीपत दीनानाथ कॉलोनी में ऐसा होया कि एक नंबर बुला लिया। ठीक है, यही थोड़ी दूर है मेरे यहाँ से। तो वहाँ एक लड़की जो है बेहोश हो पड़ी, तो मैं यहाँ से जो है माथा टेक के गुरु महाराज के पास से घर गया। ठीक है, जाकर बैठ गए, कह लगे जी लड़की आ है, लड़की पड़ी गूंदड़ी मारने से। अच्छा, तो जब प्रसाद लिया, थोड़ा सा प्रसाद लिया, तो जैसे हमने प्रसाद लिया और अपना कारावाई चालू करी, तो वो लड़की तो उठ कर बैठ गई, लेकिन पंखा जो है ना, छत का जो पंखा है वो पंखा ऐसे करा ऑटोमेटिक बंद था इससे पहले, वो उस चल रहा था, चल रहा तो चलता चलता ही वो ये करा लगा, यानी गिरने को हो गया। हाँ, गिरने को हो गया, उन्होंने करा लगा। यह कितनी हकीकत बात है। अच्छा, मेरी अंकों की देखी जी जी, हमारे द्वारा करी हुई उस गुरु महाराज की कृपा जी। तो जैसा उन्होंने करा लगा, मैं कह लगा तो हल जा कर आए, तो वे जितने वहाँ बैठे थे 5-7 जने, मैंने बोले कह लगा महाराज यू बहुत देर से चल रहा था, लेकिन जब आपने यू कार्य करा, कार्य करने के बाद में यू जो है मतलब कर लगा, उस शक्ति ने आपको डराने की कोशिश किया? डराने की कोशिश करी, और जो बराबर में ही पड़ोसियों का जो मोटर चल रही थी वो भी बंद हो गई। अच्छा, ऑटोमेटिक वो भी बंद हो गई। तो वहाँ से फिर निकट गया वह शक्ति जो है ना साफ। अच्छा, भाग गया वो डर, मतलब पहले उसने आपको डराने की कोशिश करी। हाँ, और जब आप नहीं गए तो फिर वो खुद पंखा, फिर मोटर। अच्छा, और फिर वो साफ हो गई। यह हमारे जीवन की सच्ची घटना, सच्ची घटना। तो वो लड़की ठीक हो, उसके बाद शांति है घर में? वो लड़की अशांति है, लड़की ठीक होगी, ब्याह कर दिया लड़की। अच्छा गुरु जी, जैसे कुछ लोग सिद्धियाँ करते हैं, इसमें एक डाकनी साकनी कुछ इस तरीके की सिद्धियाँ भी करते हैं लोग इनको वो सिद्ध करने के लिए, क्योंकि लोगों को ना जल्दी से जल्दी सब कुछ चाहिए जीवन में, तो कुछ आजकल के लोग जो है ना कुछ भी देख के या किसी से सुन के इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ होती क्या है डाकनी? इसमें ऐसा है जी, जैसा मान लीजिए एक तो वो देसी दवा और एक हो इंग्लिश दवा। ये जो भूत प्रेत डाकनी साकनी, ये तो इंग्लिश में मानो ये काम तो जरूर कर देंगे, लेकिन ये हमारे तो जीवन को है ना बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देंगे बिल्कुल जी। 100 की 100 जिसना अनुभव ना करके देखा हो करके देख लो जी जी। ठीक, जैसे कि दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा तो अपना कार्य करेगी जी, वह मौका पाते ही अपना वार करेगी जी जी। ठीक, और रही बात देवताओं की, देवी देवताओं की, किसी की भी पूजा करो, इसमें एक और चीज आ जाती है कर्ण पिशाचनी, ये सब एक ही है। कर्ण पिशाचनी जी, बेताल ठीक ठीक है, और एक अघोर विद्या में सबसे ऊपर अघोर विद्या में है भैरवनाथ जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य है जी, भैरवनाथ जी। अघोर विद्या में इस तो ऊपर कोई गोरखनाथ, इस तो ऊपर फिर है महादेव जी, जो शमशान के वास करने वाले हैं महादेव वे हैं जी, और कोई। और फिर है नीचे, जैसे बाजा कोई कहते हैं चुराए वाली है, मदान वाली है, शमशान वाली है, जो कार्य जिसका है वो करेगी, हमारा कार्य वे कर तो देगी, लेकिन वो सब थोड़ा सा करके फिर बाद में नुकसान ही करेगी, नुकसान ही फायदा नहीं करेगी, उनका फायदा नहीं। बिल्कुल, और देव जो शक्ति है जी, देव शक्ति ई पूज लो मारा दुर्लभ पैदा करेगी, मरने के बाद भी पैदा करेगी। अच्छा, अब ये इनके मंत्रों के बारे में बताइए कि वैदिक और साबरी मंत्रों में क्या अंतर है? वैदिक और साबरी, वैदिक तो मेरे ग्रंथ होता है, मतलब देवता होता है और ऋषि महात्मा होता है उत्पन्न हो रही जी, और जो ये साबर मंत्र है, साबर मंत्र तांत्रिक के द्वारा उत्पन्न हो रही। तो जल्दी किस में पर्सन, जल्दी जो पर्सन होंगे तो वे जो है ना साबर मंत्र से होंगे जल्दी साबर मंत्र। तो इसके साबर मंत्र इसके इनका भी कुछ दुष्परिणाम है, साबरी मंत्रों का भी कुछ दुष्परिणाम मिलता है? इसमें ऐसा है, मंत्रों का जो है दुष्परिणाम नहीं मिलता जी, जैसा जिस भावना से हम करेंगे, जिस मंत्र को करेंगे हमने वह भावना ही मिलेगी, वह कार्य ही मिलेगा, वह सिद्धि मिलेगी।
इसमें क्या है, इसमें हम आन जाते हैं जो सावरी मंत्र है, किसी भी महात्मा से पूछ लियो और किसी भी सावरी मंत्र को आप ठाकर देख लियो, इसमें क्या है, इसमें जो है जो कर ये कह दिया कि गुरु गोरखनाथ जहरवीर शब्द साचा पिंड काचा होरो मंत्र सो आचा, ये आन दे दी, जहरवीर की आन है, गोरखनाथ की आन है, शब्द साचा पिंड काचा होरो मंत्र सो आचा, ये आखिरी में शब्द आवे। तो ये आन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि मुझे एक इसके बारे में पता है जो अपनी गुड़गामे वाली माता है, क्या नाम है, शीतला माता, कहते हैं कि अगर एक बार इनके दर्शन कराओगे तो फिर आन पड़ जाएगी, फिर आपको बार बार जाना पड़ेगा, तो ये दो आन विस्तार से समझाइए, आन होती क्या है? या आन या आन ही सकया, जैसा मान ले हनुमान जी है जी, और हनुमान जी की माता कौन है? अंजनी माता। अंजनी माता जी, जो हमें हनुमान जी पर काम कराना और अघोर विद्या के द्वारा करवाना, ये अघोर विद्या में आवे जो साबरी मंत्र है जी, तो हमें कहेंगे अंजनी पुत्र, इस अंजनी पुत्र कहे हनुमान जी जी, अंजना की दुआई, अच्छा दुआई दे दी ना, अच्छा और आन दे दी, यानी कि तो जब आन है यू आन, इस आन का मतलब यू है कि कसम दे दी, कसम दे दी एक किस्म की, जो मान ली आड़ दे दी, आड़ कर दी, जो मान ला तू ईसा लंगेगा तो तेरी माँ का को दुख होगा, दर्द होगा, मर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो उसके डर के मारू मान ला वो आगे जा काम कर जाए, ये जैसे कि बच्चे आपस में वो करते हैं, तुझे माँ का समय है, समय है, यो काम कर रहे अपनी माँ का समय, तो अपनी माँ को की कसम ले, कसम का मतलब है वो मर ना जा, उसका कुछ होना जा, तो मैं यू काम कर दू, ये आन होती है, ये आन होती है, तो इसीलिए ये जो साबर मंत्र है इनमें आन जाता है, इनमें दुआई जाता है, अच्छा हाँ नहीं, अरे ये शीतला माता फिर आन क्या है, ये जो शीतला माता है जी, ये भी अघोर विद्या में आवे, क्योंकि वहाँ सब चीज चढ़े, अच्छा जो यो अपना गुड़गम है, गुड़गम में बकरे सूर मिंडे सब चढ़ते हैं, ठीक है, के उसके मंदिर में, मंदिर में चढ़े, अच्छा हम गए वहाँ, यू शीतला माता का मंदिर है, नीचे उतर के और नीचे उतर के वहाँ सब बंधे पाओगे, फिर आगे चल के एक पीर का स्थान है, चुराहे पे पीर के नाम का दिया जाएगा, फिर आगे दिया जाएगा जो है ना चुराहे वाली के नाम का, फिर चुराहे वाली पे वहाँ सूर है, तो वैदिक लोग कैसे उनकी फिर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इस चीज के खिलाफ है ना, नहीं ये होगी तांत्रिक और वे होगी देव शक्ति, वैदिक वालों का जो देव शक्ति होगी और ये होगी जो है अघोर विद्या जी, तीन विद्या है, उन तीन विद्याओं को कई लोग, क्या क्या नाम है, एक है सात्विक, सात्विक ठीक है जी, एक है रजोगुण वाली जी, एक है तामसिक, तामसिक सतोगुण रजोगुण रजोगुण और तमोगुण जी, इन तीन गुणों से बाहर कुछ नहीं इस सृष्टि में, परमात्मा के यहाँ तो सब कुछ है, वो इनसे अलग है, लेकिन सृष्टि में जो है इन तीन विद्याओं से बढ़कर कोई विद्या नहीं, ये हर इंसान के अंदर है, ऐसा कोई इंसान नहीं है चाहे वो कुछ भी ना जानता हो, उसके अंदर भी ये तीन चीज विद्यमान है। तो गुरु जी आप जैसे के घूमते फिरते होंगे और भी यात्राएं करते हैं, तो आपको कोई ऐसे साधु महाराज का दर्शन हुआ है जिनको देख के ही आपको लगा कि मैं धन्य हो गया, और उनको देख के आपको लगा कि भाई सच्चे महात्मा तो यही है, बाकी हम तो इनका अनुसरण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कोई घटना आपको कहीं पे अगर कोई मिले हो, ऐसी कोई घटना याद हो, इस तरह की कोई ऐसी घटना हस्ती मिली हो आपको पहाड़ों में जी, बताइए। यहाँ से शामली की तरफ चले जाओ आप जी, शामली उत्तर प्रदेश, हाँ, और शामली से एक गाँव है जी, क्या नाम है, नवा गाँव, ठीक, नए गांव की सीम है, चार पांच गांव की सीम है बीच में, वहाँ काली का मंदिर है, ठीक, वहाँ एक महात्मा आया, बहुत बड़ी महात्मा, 41 दिन उन्होंने सिर्फ हवा में जो है ना बैठ कर भक्ति करी, मौन 41 दिन दिन रात खड़े रहे, बैठे थे नहावे थे, वहाँ नल था, नल का जो है ना, नहावे थे, बैठ जाते वजन करे, कुछ खाने पीना भी कुछ नहीं, सिर्फ हवा में, हवा का मतलब है हवा का सेवन करना और भजन करना, तो ये एक
देखा जाए मेडिकल के हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है आदमी को, जब चलो मान लो एक दो दिन खाया भी नहीं लेकिन कुछ वेस्टेज तो निकलती है शरीर से, वो भी नहीं गए करते कुछ। वो देखो दो चार दिन तो निकले हैं, हाँ, फिर वो उठ का जैसा नहावे थे दावा थे पेशाब करिया में थे कोई दिक्कत नहीं करिए आगे बैठ। ये क्या है ये जी उस ईश्वर में लो लग जानी जी, जी सब कुछ ये दसो सारे द्वारे बंद हो जा, एक दिखेगा तो मैं अल्लाह भजन कर जा लेकिन ये बंद हो जा। वो तो जैसे कि हमारे कंट्रोल कर ले एक शब्द है ऋषि मुनि ऐसे इस टाइप के भी हो गए, सिर में धूप निकल गई धूप ना जम गए बैठे वो मिट्टी जम गई सांप ने बॉम्बिया बना दी, इस टाइप के भी थे। तो वे जैसा भंडारा होया जी, और भंडारा होने के बाद में भंडारे में बहुत चार पांच गांवों का वहाँ से जो है ना दान आया जी। तो जैसा उनका गुरु आए ऋषिकेश धार द्वार जी और लक्ष्मली गांव है वहाँ से उनकी बात है जो मैं आपको पहले बताया था। तो सिर्फ नू के नुई सिर्फ लंगोटी में नू के नुई गाड़ी में बैठ कर चले, वो दान जो है गरीबों वहीं बैठ गया। अच्छा हाँ जी, उन्होंने कुछ नहीं स्वीकार किया। और ऐसा भी होया कि माइक लिया उन्होंने और माइक में जो उन्होंने कह दिया जो बहनी उन्होंने दे दी वो पैर, ये भी बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सच्चाई। तो ठीक है, अघोरी कहते हैं अघोरियों के पास ना शस्त्र विद्या का भी सारा सिस्टम है, उनको लड़ाई भी आती है सारी चीज़ आती है, तो उन्होंने युद्ध में हिस्ट्री भाग क्यों नहीं लिया कुछ? एक समय ऐसा आया था अंग्रेजों का, फोन में निकाल कर देख लो आप, मैंने फोन में भी देखा कि सब जगह से जो है गुलाम होने की मतलब गुलाम हो ही गए थे संकल्प है। तो ये जो नांगे जो महात्मा है हमारे, ये नांगे महात्मा उठ गए, नांगा साधु जो है वे उठ गए। उठने के बाद में उन्होंने आर पैर कर दिया था एक बार, तो दो हमारा देश है नांगों की जो है ना देन है, ये कतई सिद्ध है बात। अच्छा जी, उनका नाम नहीं ले जाता पर इतिहास में, उनका नाम तो बस गुप्त ही रहे, वो लोगों ने जानबूझ के इतिहास छुपा दिया है। आज भी जो राम मंदिर का जो है ना निर्माण होने से पहले जी, जो राम मंदिर है अयोध्या में इसका निर्माण होने से पहले संतों ने एक बात कही थी जी कि ये तो सरकार करे, ये फिर सरकार मेरे को छोड़ दे, हम करेंगे। आज भी ये बात सिद्ध है। तो मतलब जब जब धर्म को उनकी जरूरत पड़ी है तो वे आए। साधु सही मायने में तो साधु जो बनता है महात्मा कोई भी हो साढ़े बारह पंथ है जी, महात्मा महात्माओं के जो है साढ़े बारह पंथ है। साढ़े बारह का क्या है? साढ़े बारह का हिसाब है जो ये किन्नर हाँ। ये महात्मा में लगता है। अच्छा महात्मा हाँ। और ढाई जैत है, ढाई जो बिरादरी है जो जैत कही गई वो सिर्फ ढाई है, यानी कि एक नर और नारी हाँ, और एक ये किन्नर ढाई जैत हाँ। जो ईश्वर के वास है। अब ये ले लो एक थोड़ा सा उदाहरण ले लो, किसी बच्चे को ले लो किसी भी बिरादरी में बैठा लो एक बच्चे को और सब कुछ ना बताओ उसके क्या देगा, कुछ नहीं देगा, वो किसी भी रात्रि से पुकार दो आप उसे उसी में चलेगा, फिर उसी में चला जाएगा। तो उसके यहाँ से तो मतलब ये ढाई आई ना जी। और ये अखाड़े में करते हैं आप साढ़े बारह पंथ हो पंथ। अच्छा पंथ जैसे मैं ले ये हैं बारह पंथ, हम सरस्वती मांगे जी, एक नांगे गुरु महात्मा हो गए नाथ संप्रदाय तो एक सरस्वती हो गए जी, एक गिरी हो गए, एक भारती जो हो गए गिरी पूरी भारती जो है ना, ये कई जो पंथ है, एक जो है ना कबीरदास वाले पंथ हो गए। अच्छा जो कबीरदास के जो ये भी पंथ है कबीर पंथी। अच्छा ये भी एक पंथ है। अच्छा जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। रवि है, आप हिंदू धर्म से हो जी, ठीक, हम महात्मा हो गए, हम भी हिंदू धर्म से मैल लगे जो समाज में चले, सनातन धर्म से, लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है वो कौन सा है? मानव धर्म। मानव धर्म इंसानियत का ही सबसे बड़ा और कुछ नहीं। तो सनातन का तो नाम ही समझ लो इंसानियत ही है, वो तो सबको कहते हैं, सबने शब्द के सबको गले लगाने वाला धर्म एकमात्र है अगर धरती पे तो ये सनातन ही है। मुझे तो और से कोई अपने कोई बात अगर याद आ रही है कुछ कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? बस जी मैम तो यही कहेंगे
अपने धर्म पर रहो, बस अपने धर्म पर रहो, अपना अच्छा कर्म करो। और इन इन और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम में सच्चे संतों की जो है ना पहचान करना मुश्किल हो गया थोड़ा, अलग ही दिखा जी, अलग ही दिखा है। मैं अभी आपको अभी ये घटना हो रही थी यहाँ राजस्थान में, वहाँ कपड़ों में आग लग गई, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने खुद बताया गांव वालों ने कि दो तीन बंदे पहुँचे और पहुँचने के बाद हम कह लगे हम इलाज कर देंगे फलाना डेढ़ा 80-90 हज़ार रुपये तार कर सौंप नू कह गए, हम किसी के सामने करने के नहीं, और गांव वालों को पर बिठा दिया साइड से मैं बस ले गया पता है 80 हज़ार रुपये सौंप। तो इस तरीके के लोग सनातन एक शब्द आप जो है कहीं भी फैला दो जी, यानी कि एक शब्द जो हम जो दो पाँच सात शब्द जो कहने, यानी कि सही सिद्ध महात्मा को पहचानने के लिए हृदय में धरने के लिए खायु महात्मा है, ये दो चार शब्द ही गेल पिछाने जगह खायु महात्मा है, यानी फिर कोई उसके द्वारा कुछ नहीं है, है तो फिर टाइम पास है भाई, भजन कर रहा कोई बात नहीं, रोटी खा रहा भाई ठीक है, ठीक ठीक है जी। आप घर से चलो या कहीं भी चलो, कहीं से भी चलो, या घर से चलो या खेत से चलो या मान लो रास्ते में हो या कोई आपको बता रहा हो भाई फलानी जगह महात्मा है, उस महात्मा के जाने से पहले आप अपने मन में कोई बात विचार करो भाई हम महात्मा के द्वारा जाएंगे, ये बात पूछें और ये बात हमारे मन में है वे बताओगे ये नहीं बताओगे, अगर वह बात उन्होंने आपको बता दी तो आपके मन में कोई संशय नहीं है कि ऐसे नहीं है, वे बिल्कुल सिद्ध है। ऐसा कहाँ होया, ऐसा मेरी मेरी गेल का होया, मेरे गुरु का होया खुद, अच्छा सर्वानंद जो गुरु जी मेरे जी, समाधि उनकी पड़ोसवली भी है और हरिद्वार भी है जी, हरिद्वार तो उन्होंने शरीर पूरा करा, अच्छा और जो पड़ोसवली है वे उन्होंने भक्ति करी 50 साल, वे पहले ही बैठते सार ये बता देते हैं कि बेटा आपके मन में ये बात है और आप इस काम आए और आपका यू काम यूँ बन जाएगा और जाओ, ठीक उन्हें बोलना नहीं देते। तो ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी तो आजकल ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यह बात है जी, इन्हें सिद्धि है इनके पास कुछ, इन्हें सिद्धि है, ये सिद्ध नहीं है, अच्छा समझ नहीं मतलब नहीं बात नहीं समझ, यह बात बहुत गहरी है, यह बात कोई कोई बताओ धीरेन्द्र शास्त्री है इन्हें सिद्धि है, यानी कि भगवान हनुमान जी का या श्री राम जी का इन्हें आशीर्वाद है ये मान लो, ठीक है तो उन्हें ये आशीर्वाद है कि आप जो है बाबा जो है ना दुनिया के काम कर रहा, उनके द्वारा जो है ना बाबा ही कर रहे हनुमान जी कर रहे हनुमान जी, यानी कि जो बागेश्वर बाबा जी हैं वे उनका काम कर रहे उनके द्वारा, अच्छा वे ही कर रहे ये समझ लो थोड़ी सी देर को। और जो संत हैं जो सिद्ध हैं वे जैसे कि हमारे बाबा गोरखनाथ जैसे मान ल सिद्ध पुरुष जी सकाया वे ये बैठ देंगे इस समाधि लगा देंगे, यानी कि शरीर छोड़ देंगे जीते जी शरीर छोड़ देंगे ऐसे बैठ कर, मतलब सर वो ऐसे घूमने निकल जाए शरीर छोड़ के, हाँ अच्छा तो जैसे ये चल जाएंगे शरीर छोड़ देंगे घूम कर आ जाएंगे तो उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जी, जो अपनी मर्जी से शरीर से भी बाहर आ जा सका जाकर उन्हें सिद्ध पुरुष कहा, यही एक संतों का असली जो ना ज्ञान और विज्ञान है। और यू जो कार्य है सिद्ध पुरुष की शरण लेकर सिद्ध पुरुषों के दर्शन करके हर इंसान के अंदर यह शक्ति है, ये नहीं है कानूनी के अंदर है या हर किसी के अंदर शक्ति है अगर जो मान लवे ज्ञान दे दे तो ये इस तरीके से सिद्ध पुरुष जो ना पिछड़े जाएंगे अन्य दिल से, ये नहीं है मतलब आप उनका इंटरव्यू लेने जाओगे ऐसा नहीं, सिर्फ दिल से मन का मान से मान का चलो आपको अपने आप ही अपना परिचय दे अपने आप, अगर वे खुश होंगे तो अपना आप अपना परिचय देंगे नहीं तो आप उनका परिचय नहीं ले सकते बिल्कुल, बात ही नहीं करेंगे। हाँ जी ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गुरु जी से और इन्होंने जो घटनाएँ बताई है, अगर आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो आप महाराज जी से सीधे आके मिल सकते हैं, महाराज जी आप अपना एड्रेस बता दो कैसे मिल सकते हैं आपके आपसे आगे अगर कोई आके आपके मिलना चाहे तो। पानीपत शहर है और जी जो एड्रेस है यो बस अड्डा, बस अड्डे से फिर
जो देव मंदिर रोड हरसिंह कॉलोनी हरसिंह चौक जी, और दिव्य धाम आश्रम दीनानाथ कॉलोनी दीनानाथ कॉलोनी में हाँ दिव्य धाम आश्रम के पास में जो है ना एक छोटा सा और आश्रम है वहाँ से शिवानंद महाराज नाम है। मतलब किसी से पूछ ले तो बता, किसी से पूछ ले कोई भी बता दे आपका नाम से। हाँ शिवानंद महाराज जी राधे कृष्ण का मंदिर है जी, और जी वहाँ जाना जो है ना खेतों में, यहाँ खेत है भी तो खेतों में कोई बात है। ठीक है, वैसे हम मैं गूगल पे जो है ना गूगल पे लोकेशन डाल दूंगा इनकी यहाँ से आश्रम की, आप उसको गूगल लोकेशन को फॉलो करके भी आ सकते हैं यहाँ तक। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। मेरी भूत प्रेत कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ और कोई पैसा नहीं है कभी सीरियस आ गए, ये बात सीरियस है कि कोई पैसा नहीं लेंगे, जो सामान आएगा प्रसाद पहने आएगा वो अपने पैसों पर। ठीक है, अपने दूर से सही 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 बात है। ठीक ठीक, तो अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है जीवन में किसी प्रकार की तो आप गुरुजी से आके मिल सकते हैं। इनके यहाँ पे आपको आने का कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये है जो सामग्री वगैरह लगेगी वो आपको खुद से लेकर आनी पड़ेगी, वो आपको आप अपनी समस्याएं बताएंगे उस हिसाब से गुरुजी बता देंगे क्या क्या लग सकता है, बस वही लेके आपको आना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई लोकेशन पे और नई किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।